हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करने वाली हूँ ये इंटीमेट वॉशर्स के साथ। मींस इनका डेमो भी देकर दिखाऊंगी और इनका रिव्यू भी आपको बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ये वाला इंटीमेट वॉश की। इन दोनों को मैं पहले रख देती हूँ। तो ये क्लीन एंड ड्राई की तरफ से आता है और ये एक फोमिंग इंटीमेट वॉश है। ये क्लींस करता है, नरिश करता है, लाइटन्स एंड प्रोटेक्ट्स। तो अगर हम इसकी MRP की बात करें तो वो होती है 269। और अगर हम इसकी क्वांटिटी की बात करें तो आपको नेट कंटेंट 85 ग्राम इसमें लिखा हुआ है और शेल्फ लाइफ होती है 2 ईयर्स की। तो इसको यूज़ करके मुझे ऐसा लगा कि ये मतलब थोड़ा सा कॉस्टली पड़ता है, क्योंकि ये देखिए अगर हम इसे निकालें तो कभी कभी ये एक तो बहुत ज़्यादा आ जाता है ये इस तरीके का। ये थोड़ा सा हम वाटर लेंगे, ये देखिए अब इसे मैं इस तरीके से ये इस तरीके का फोम बन जाता है। तो इसे अच्छे से तो ये हो जाता है, पर फिर भी थोड़ा सा मुझे ये कॉस्टली लगा, इसकी वर्थ इतनी नहीं लगी मुझे। वैसे तो आपको इसमें पानी यूज़ नहीं करना है। ये देखिए, जैसे मैं आपको डायरेक्टली इसे लेके बता देती हूँ, ये देखिए इस तरीके का ये खुद ही पूरा बन जाता है, फिर आप इसे यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद है ये सिरोना का एप्पल साइडर विनेगर फोमिंग इंटीमेट वॉश। और अगर इसकी MRP की बात करें तो वो है 349। ये 100 ml का है। तो इस ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा। ये देखिए, ये बहुत ज़्यादा भी नहीं आता है, इसको आपको बस ऐसे लेके इसे भी लगा लेना है। तो ये भी ये वेस्ट नहीं होता है बिल्कुल भी। इसके पहले वाला जो था वो काफ़ी वेस्ट हो जाता है। उसके बाद है ये सिरोना का रिफ्रेशिंग इंटीमेट वॉश। इसकी MRP है 349। 2 ईयर्स की शेल्फ लाइफ है। तो ये ऊपर से ऐसा नहीं हो रहा था, तो मैं इसको आपको इधर अंदर से ही निकाल के बताती हूँ। ये देखिए ऐसा ये रहता है। तो इसको भी आपको डायरेक्टली ऐसे हाथ में लेने के बाद फोम कर देना है। थोड़ी ज़्यादा क्वान्टिटी में लेते हैं तो फिर ये फोम बनता है इस तरीके से। तो ये भी अच्छा ही है, मतलब वेस्ट नहीं होता है ये भी बिल्कुल भी। तो इन तीनों में से मुझे ये वाला सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है।